अमल का हो जज्बा अता या इलाही। आइए नमाज ईद का तरीका सुन लीजिए। पहले इस तरह नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर या ईद उल अजहा की 7-6 जायद तकबीरों के, याद रहे 6 जायद तकबीरें हैं उसके अंदर, वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए, पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लें और अब सना पढ़ें, फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका देंगे, फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका दीजिए, फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। 3 एक्स्ट्रा तकबीरें आपने दे दी। फिर इमाम जो है वो तअव्वुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अरहम शरीफ और कोई भी सूरत वो बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, फिर रुकू होगा, फिर उसी तरह नॉर्मल पूरी रकात होगी। अब जब आप ऊपर वापस आएंगे तो अब यहां पर दूसरी रकात में स्टार्ट ही से इमाम साहब तिलावत शुरू कर देंगे, कोई अल्लाह अकबर तकबीर नहीं कही जाएगी, इमाम साहब अलहम शरीफ भी पढ़ लेंगे, तिलावत भी कर लेंगे। अब 3 बार अल्लाह अकबर कहा जाएगा, हाथ उठाएं कानों तक और हाथों को छोड़ देंगे, और ये 3 बार हो गया तो गोया 6 जायद तकबीरें हो गई। अब जब 4थी बार तकबीर दी जाएगी तो हाथ नहीं उठाने, अब डायरेक्ट रुकू में चले जाना। आसान तरीका यह है कि पहली रकात में जो है वो किरात से पहले अपने तकबीर अदा करनी है और दूसरी रकात में किरात के बाद। बस थोड़ा इसमें एक और इजाफा भी करना है कि पहली रकात में जब स्टार्ट लेंगे नमाज का तकबीर तहरीमा के बाद, तो पहले एक बार हाथ बंधेंगे और सना पढ़नी है, फिर 3 जायद तकबीरों के बाद तिलावत होगी और दूसरी में पहले तिलावत होकर 3 जायद तकबीरें होंगी। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।